डॉक्टर बैंकिंग ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, 14 नवंबर के करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या है लगा है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र के अंदर क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगा है फ्रेंड। तो फ्रेंड महाराष्ट्र में हुआ क्या है कि अभी ना बीजेपी को तो आई थी 105 सीटें और जो शिवसेना है उसको आई थी 56 सीटें और जो कांग्रेस थी उसको आई थी 44 और उसके बाद जो एनपीसी है उसको आई थी 54 सीटें। एनपीसी को कितनी आई थी, 54 सीटें आई थी। टोटल है उसकी यहाँ 288 सीटें। तो फ्रेंड अभी ना इलेक्शन हुए, वहाँ अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे और रिजल्ट आने के बाद 19 डे हो गए हैं, तो वहाँ तक अभी भी किसी की सरकार नहीं बनी है क्योंकि सरकार यहाँ गठबंधन से बननी है फ्रेंड। तो राज्य विधानसभा के निलंबित एनिमेशन के तहत इसको क्या है, राष्ट्रपति शासन के अब ले लिया गया है फ्रेंड। तो बात आई है महाराष्ट्र की फ्रेंड, तो ये रहा मैप के अंदर हमारा महाराष्ट्र। तो राजधानी यहाँ की मुंबई है और मुख्य न्यायालय जो है यहाँ का उच्च न्यायालय जो है यहाँ पे वो मुंबई के अंदर ही है। और फ्रेंड यहाँ जो भाषा बोली जाती है मराठी। फ्रेंड अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर कोई है नहीं क्योंकि बनेंगे, अभी मुख्यमंत्री कोई है नहीं, उसी के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगा है। तो गवर्नर यहाँ के क्या है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, गवर्नर है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश का पहला हाथी स्मारक कहाँ बना है? हाल ही में देश का पहला क्या हाथी स्मारक बनाया गया फ्रेंड, तो कहाँ बनाया गया आपको ये बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो बनाया गया है मथुरा के अंदर बनाया गया फ्रेंड। कहाँ बनाया गया फ्रेंड, मथुरा के अंदर बनाया गया फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको बनाया किसने बता सकते हो? तो इसको बनवाया है संरक्षण और चैरिटी वन्य जीव, संरक्षण चैरिटी वन्य जीव ने इसको क्या फ्रेंड बनवाया है, SOS ने। और ये क्या देश का पहला हाथी स्मारक फ्रेंड आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके फ्रेंड बात आई है तो मथुरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और तो बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप के अंदर उत्तर प्रदेश। राजधानी यहाँ की और सबसे बड़ा शहर यहाँ का क्या है, लखनऊ है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ के, आनंदीबेन पटेल। फ्रेंड कौन है राज्यपाल यहाँ के, आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या है राज्यपाल है फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मुनीन बरकोटी साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में मुनीन बरकोटी साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है अंकुर रंजन फुकन, मनोरंजन बोरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों रहेंगे। कौन, अंकुर रंजन फुकन और मनोरंजन बोरी दोनों को क्या ये पुरस्कार मिला है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो अंकुर रंजन फुकन है ना, ये तो क्या एक युवा कवि है फ्रेंड, और इनको इनकी पांडुलिपि के लिए खंडोता के लिए, पांडुलिपि क्या इनकी खंडोता, तो उनके लिए क्या इनको ये मुनि बरकोटी साहित्य मिला है। तो मनोरंजन बोरी को क्यों मिला है फ्रेंड, तो ये क्या एक लघु कथाकार है फ्रेंड, लघु कथाकार है फ्रेंड ये, और इनकी पांडुलिपि है मोजोग। पांडुलिपि क्या है, मोह जोग, तो इसको इनको इनके लिए मिला है। तो फ्रेंड ये जो पुरस्कार है आप बता सकते हो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना एक तो 50,000 रुपये नगद राशि दी जाती है फ्रेंड, 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है फ्रेंड, और उसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 58वां ISMA वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में 58वां ISMA वार्षिक सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो राइट आंसर रहेगा बेंगलुरु के अंदर क्या है, इसको आयोजित किया जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बात है ISMA की, आप मुझे फुल फॉर्म बताओ पहले ISMA की, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इंडियन सोसाइटी एरोस्पेस मेडिसिन। ओके फ्रेंड, तो ये जो है ना फ्रेंड हो गई कब, आज ही के दिन, यानी कि आज ही के दिन 14 नवंबर को, आज ही के दिन 14 नवंबर को यहाँ
आयोजित की जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका जो उद्घाटन है ना वो हमारे एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल कौन है आप बताओ मुझे, तो आरकेएस भदौरिया जी करेंगे, आरकेएस भदौरिया जी क्या इसका उद्घाटन करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड जो ये 2019 में हो रही है तो इसका विषय क्या है, सम्मेलन जो हो रहा है इसका विषय है फ्रेंड एरोस्पेस हेल्थ केयर में बदलते प्रतिमान, एरोस्पेस हेल्थ केयर में बदलते प्रतिमान फ्रेंड। ओके चलते हैं नेक्स्ट। तो हाल ही में एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा 5%। कितना अनुमान लगाया है, 5% का लगाया है फ्रेंड। फ्रेंड जो है ना एसबीआई ने ना पहले पूर्वानुमान लगाया था 6.1% का रहेगा, 2020 में 6.1% रहने का लगाया था, लेकिन अभी हाल ही इसने चेंज कर दिया, इसको घटाकर कितना किया है 5% कर दिया है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसने घटाया क्यों है इसको, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वैश्विक मंदी के कारण इसने क्या है इसमें ये परिवर्तन अपने को बताया है फ्रेंड। तो फ्रेंड बात आई है एसबीआई की, तो फ्रेंड एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को क्या इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड इसका आप हेडक्वार्टर बताइए मुझे, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड। फ्रेंड इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन इसके कौन है, रजनीश कुमार, कौन है फ्रेंड, रजनीश कुमार एसबीआई के क्या है चेयरमैन है फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में फटने वाले विशाल एक्सरे की खोज की गई है, क्या कि एक अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्या अंतरिक्ष में फटने वाले एक विशाल एक्सरे की खोज की गई है, तो आपको उसका नाम बताना है, तो फ्रेंड राइट आंसर यहाँ रहेगा नासा ने इसकी क्या है फ्रेंड खोज की है। तो क्या फ्रेंड इसमें नासा ने भी बताया है कि जो बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट का पता लगाया गया है। तो फ्रेंड इस विस्फोट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो विस्फोट है ना थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट जो है ये 20 सेकेंड के अंदर इतनी एनर्जी इतनी ऊर्जा छोड़ता है या बनाता है जितनी सूर्य, जो हमारा सूर्य है सूरज है जो कि सूर्य लगभग 10 दिन में बनाता है, ये इतना तेज विस्फोट हुआ है कि 20 सेकंड के अंदर इतनी ऊर्जा बना देता है जितना सूर्य लगभग 10 दिन में बनाता है। ओके फ्रेंड। और फ्रेंड नासा, वैसे भी हमने नासा के बारे में 1-2 दिन पहले पढ़ा था क्या इसने इलेक्ट्रिक विमान का विमोचन किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है फ्रेंड, तो राइट आंसर यहां रहेगा जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में फ्रेंड शपथ ली है। तो फ्रेंड इनको शपथ दिलवाई किसने है, तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है बताओ आप मुझे कमेंट करके, बनवारी लाल पुरोहित जी ने इनको क्या है शपथ दिलवाई है फ्रेंड। तो जस्टिस एस ए बोबड़े आप सभी को पता ही है, हम जितनी बार इनका नाम आता है चर्चा इनके बारे में करते हैं, तो हमारे 47वें नंबर के सीजीआई हैं फ्रेंड। और जस्टिस संजय करोल के बारे में हमने कल ही पढ़ा था, ये पटना उच्च न्यायालय के बने थे मुख्य न्यायाधीश। ओके फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 39वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 कहाँ शुरू हुआ है, हाल ही में 39वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 कहाँ शुरू हुआ है फ्रेंड, आपको इसका जवाब देना है, तो ये फ्रेंड नई दिल्ली के अंदर क्या है शुरू हुआ है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो है ना 39वां शुरू हुआ है, तो आप जो 39वां व्यापार मेला इसकी थीम बताओ मुझे, थीम क्या थी इसकी, तो फ्रेंड इसकी जो थीम है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये इसकी थीम है फ्रेंड। तो विश्व बैंक ने क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2014 में भारत इसमें क्या था 142वें रैंक पर था, और अब वो क्या है कि 63वें रैंक पर आ गया। तो जो इतना बड़ा चेंजेस भारत ने इम्प्रूवमेंट किया है ना, इस उपलब्धि के प्रेरित होकर ही ये किया गया है फ्रेंड, थीम इस बार की रखी गई है। तो फ्रेंड आप है ना मुझे कमेंट करके बताओ
इसमें फोकस कंट्री कौन सी है और फोकस स्टेट कौन सा है, ये जो डूइंग बिजनेस में फोकस कंट्री और फोकस स्टेट आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो फ्रेंड फोकस कंट्री इसके अंदर है कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य इसके अंदर फोकस कंट्री है, और बिहार व झारखंड, बिहार व झारखंड क्या है इसके अंदर फोकस स्टेट है, बिहार व झारखंड क्या है इसके अंदर फोकस स्टेट है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जीएसटी भुगतान करने वालों को सम्मानित करेगी, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जीएसटी के भुगतान करने वालों को क्या है सम्मानित करेगी फ्रेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार क्या है जीएसटी भुगतान करने वालों को सम्मानित करेगी। तो फ्रेंड वो क्या है, एक तो जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर भी क्या इसको सम्मानित करेगी। तो फ्रेंड इसके अंदर क्या है, जिले व राज्य स्तर पर क्या है 10 जीएसटी भुगतान, जो शीर्ष पर 10 जीएसटी भुगतान करता रहेंगे ना उनको सम्मानित करेगी, और उनके तहत क्या है कि उनको क्या है कि 10 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करने की भी स्कीम इसमें लागू की जा सकती है, 10 लाख रुपए तक का बीमा उनको प्रदान किया जाएगा फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें ना जो सरकार ये बता रही है कि इसमें उनको पेंशन का भी प्रावधान दिया जाएगा, क्या जो पेंशन का भी प्रावधान देने की बात इसके अंदर हुई है फ्रेंड, पेंशन का प्रावधान भी इनमें इनको मिल सकता है। और फ्रेंड इस बार जो उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है ना इस वित्तीय वर्ष के लिए, तो 77,640 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया फ्रेंड जीएसटी का भुगतान के लिए, 77,640 करोड़ रुपये का लक्ष्य इस बार के लिए रखा गया। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पीछे के क्वेश्चन में पढ़ा था, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड जो भी आप फ्रेंड्स इसमें क्विज लगाना चाहते हैं ना, डेली बेसिस पे क्विज लगाना चाहता है, तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर वो क्विज लगा सकता है। क्विज लगाने से होगा क्या, एक तो आपकी रिविजन होगी और दूसरा आप अपने साथ के साथ टेस्ट ले सकोगे, आपको कितनी की चीज़ें जो आपने पढ़ी है कितनी की चीज़ें याद है। तो फ्रेंड ये जो क्विज है ना वो आपके करंट अफेयर जो हमने पढ़ा है डेली बेसिस पे पढ़ते हैं उसी का ये स्टडी क्विज होता है फ्रेंड, जो हमने कल पढ़ा था उसका आज टेस्ट हो जाएगा, तो उसमें आप जरूर लगाया करो फ्रेंड ये, इससे आपको अपना पता चलेगा कि आपको कितनी की चीज़ें याद हैं और चीज़ें इससे आपको ज़्यादा भी याद होने लगेगी। जैसे कुछ आपके एक दो गलत होते हैं तो आपको पता चलेगा ये गलत क्यों हुए हैं, तो आप उसका आंसर देखोगे तो उससे वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो हाल ही में किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा, हाल ही में किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा, तो फ्रेंड ये डल झील को क्या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये क्यों किया जाएगा आप मुझे बताओ, तो फ्रेंड इसमें जो है ना हमारी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या है कि 2017 में आंकलन के अनुसार जो इस झील का एरिया था 22 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था फ्रेंड, जो कि अब सिकुड़ कर कितना रह गया है 10 वर्ग किलोमीटर रह गया है फ्रेंड, यानी कि 40% इसके मूल से यह सिकुड़ चुकी है। तो इसलिए इसको क्या है झील को इको सेंसिटिव जोन के अंदर रखा गया है फ्रेंड। ओके फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में महिला अंडर 17 के लिए किस मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, हाल ही में महिला अंडर 17 के लिए किसे मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा थॉमस डैनरबी, क्या रहेगा फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर थॉमस डैनरबी इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट, एसएससीओ की दो बैठक 2020 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, एसएससीओ की बैठक 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा फ्रेंड, तो आपको बताना था इसकी क्या फ्रेंड भारत क्या है मेजबानी करेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये भारत में होगा कहाँ, तो भारत के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर फ्रेंड ये होगा, न्यू दिल्ली के अंदर होगा फ्रेंड, और ये 19वीं परिषद की मेजबानी होगी फ्रेंड। तो फ्रेंड एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, इसमें ना भारत व पाकिस्तान है क्या 2017 के अंदर भारत व पाकिस्तान दोनों पूर्ण रूप से सदस्य इसके बने थे, पूर्ण रूप से इसके क्या फ्रेंड सदस्य बन गए थे। तो फ्रेंड जो एसएससीओ है ना इसके क्या है 8 सदस्य देश हैं,
आठ सदस्य देश है। तो आप बताओ कौन कौन से, तो दो तो भारत व पाकिस्तान हो गए। पहले तो आप मुझे ना एस एस सी ओ की फुल फॉर्म बताओ। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें जो आठ सदस्य देश हैं उनके बारे में बता देता हूँ, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दो बचे वो पाकिस्तान व भारत। ओके फ्रेंड, ये रहा हमारा स्टडी क्लास का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की घोषणा की थी? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर था आंध्र प्रदेश सरकार, किसने की थी फ्रेंड? आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की थी। ओके फ्रेंड, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आप हमें कमेंट करके दें। साथ ही में आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।